77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साल में पंजाब को नशा मुक्त बनाने की बात कही है। उन्होंने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम ने देश की आज़ादी में पंजाब के योगदान की बात कही। चीफ मिनिस्टर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। देशभक्ति के गीत, युवाओं के करतब और पुलिसकर्मियों का सम्मान। आजादी के दिन पटियाला के पोलो ग्राउंड का नजारा कुछ ऐसा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि जब भी कभी दुश्मन की तरफ से गोली चलती है तो उसके आगे तना पहला सीना किसी न किसी पंजाबी का होता है। आज भी साडे नौजवान सीने अज भी दुश्मन दियां गोलियां दे सामने साडियां हिक्कां ने। अज भी जे कोई गोली आउंदी है देश वाले पासे, सब तो पहला पंजाबी सीना उस गोली दे अगे खड़ा हुंदा है। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि वो उन्हें ये ना बताएं कि वतन परस्ती क्या होती है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। आजादी पूरे देश के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन पंजाब की धरती पर जन्म लेने वालों के लिए आजादी का पैमाना अलग होता है। पंजाब ने पहले आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया और आज पंजाब आजादी बरकरार रखने के लिए अपना योगदान दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह और भगत सिंह के बलिदान को याद किया और कहा कि देश के लिए लड़ने की प्रेरणा गुरुओं से विरासत में मिली है। आजादी की लड़ाई गुरु नानक देव के समय से ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने बाबर को जाबर कहा था। गुरु तेग बहादुर ने शीश कटवाया, गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। जिस वेले गुरु नानक साहब ने बाबर नू जाबर कहा सी ते काल कोठड़ी दे विच उन्हां नू जाना पिया सी, आजादी की लड़ाई तो उस वेले तो शुरू सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी दित्ती, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौंक विखे जुल्म दे खिलाफ जा सिर्फ इक्को पक्ष दी बंदे होण इस प्रवृत्ति दे खिलाफ अपना शीश दिता। गुरुद्वारा साहब शीशगंज अज बिल्कुल लाल किले दे बिल्कुल सामने मौजूद है। सीएम मान ने कहा कि सांसद होने के समय उन्होंने स्पीकर सुमित्रा महाजन से छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी। देश के लिए सबसे बड़े दिन पर सीएम ने कहा कि उनकी पंजाब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और खेती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुल 659 आम आदमी क्लिनिक हो चुके हैं, यहां दवाइयां और मेडिकल टेस्ट फ्री हैं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के माध्यम से ये भी जानकारी दी कि खेड़ा वतन पंजाब दी के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने हर साल 2200 पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात भी दोहराते हुए कहा कि सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती की जानी है। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अगले 4 साल का शेड्यूल जारी किया है, जबकि पहले की सरकारों में भर्ती के बारे में अचानक घोषणा की जाती थी ताकि अपने चहेतों को भर्ती किया जा सके। गुलामी तो आजादी तक का जो सफर सी सौखा सफर नहीं सी, बहुत घालना घालियां पईयां, साडे योधियां नू, शहीदां नू, साडे पुरखियां नू, उन्हां नू पता सी कि जिन्हां राहां ते चल रहे हां उह राह सौखे नहीं हैगे।
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि उनकी सरकार एक साल में पंजाब को नशे से मुक्त कर देगी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में 90% परिवारों का बिजली बिल जीरो आता है, बावजूद इसके उनकी सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे में नहीं आने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।